अंतर देखिए कि जब भाजपा की सरकार होती है तो अपराधी जेल में होता है, और आपकी सरकार जब राजद से के साथ रहती है तो अपराधी तांडव मचाते हैं बिहार में। और किसी भी राज्य सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना, उसको रेगुलेट करना। अब तो जो स्थितियाँ उत्पन्न है कि नीतीश कुमार के हाथ में शासन प्रशासन का कोई अमला जामा रह नहीं गया है, अब वो केवल समय काट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध के मामले को लेकर आज बीजेपी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम बिहार विधानसभा की दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर अपना विरोध जो है वो किया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के तमाम विधायक, पहले आप वो सुने। देखिए, अगर प्रशासन की तत्परता रहती तो उस बच्चे को निश्चित रूप से बचाया जा सकता था। और किस प्रकार से एक शिक्षक ने जिस प्रकार से इस पूरे कांड को किया है, बहुत ही दुखद है। और मेरा मानना है कि प्रशासन को देखना चाहिए कि आज उसके हाथ में कुछ नहीं बचा है। पूरी तरह से घटनाएं घट रही हैं, अपराधी को कोई डर नहीं है प्रशासन का, शासन का। और उस बच्चे की निर्मम हत्या होती है, और प्रशासन इतने लंबे समय अगर तुरंत में अगर संज्ञान लिया होता तो ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि हत्यारे का संबंध जो है भाजपा से है। भाई वीरेंद्र जी को केवल विषय को डालने का नहीं होता, राजनीति रोटी सेकने का मौका मिलता है। भाजपा से तो जेल भेजो ना भैया, किसने मना किया? शासन प्रशासन आपके पास है, 48 घंटे तक पुलिस सोई हुई थी, उस समय क्यों नहीं जागे थे? सबसे बड़ी बात है कि भाई वीरेंद्र हो या राजद की मानसिकता यही है, शासन प्रशासन आपके हाथ में है नहीं, अपराधियों को संरक्षण आप देते हो और नाम हमारा लगा रहे हो। सारे इजराइल मंसूरी से लेकर जितने मंत्री और अपराधी आपके पास बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सबको जेल भेज रहे हो? और हिम्मत है तो जो अपराधी का जिसका आप दोषी और जिसका बता रहे हो कि जिसके संबंधी है उसको भी जेल भेजो, किसने मना किया है? मेरा अपराधी का तो मनोबल बढ़ ही रहा है। जब अपराधियों को संरक्षण मिल रहा होगा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री या उसके नेता के द्वारा, इजराइल मंसूरी जैसा व्यक्ति जब हत्या करने के आरोपी होता है और वो खुलेआम घूम रहा है, तो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम तो लालू यादव के समय से, और नीतीश कुमार भी वही काम कर रहे हैं। पहले भी कहा था कि अपहरण उद्योग शुरू हो गया। नीतीश जी, अंतर देखिए कि जब भाजपा की सरकार होती है तो अपराधी जेल में होता है, और आपकी सरकार जब राजद से के साथ रहती है तो अपराधी तांडव मचाते हैं बिहार में। और इसका उदाहरण सामने में योगी मोटा लागू होना चाहिए। योगी मोटा सरकार तो करे, देखिए अब तो जो स्थितियां उत्पन्न है कि नीतीश कुमार के हाथ में शासन प्रशासन का कोई अमला जामा रह नहीं गया है, अब वो केवल समय काट रहे हैं। और ये समय काटने के कारण बिहार में लगातार अपहरण और अत्याचार और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। हम लोग तो महागठबंधन की सरकार जब सत्ता में आई उस समय से ही हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सरकार को कानून व्यवस्था की बिल्कुल चिंता नहीं है। लगातार रोज घटनाएं हो रही है, अब तो कोई एक घटना का जिक्र करना बेमानी है। और स्वाभाविक है, जब तंत्र और सत्ता दोनों किसी अन्य लक्ष्य की ओर दिग्भ्रमित होगा तो स्वाभाविक है कि राज्य की स्थिति बदतर होगी। और किसी भी राज्य सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना, उसको रेगुलेट करना। और इस मामले में यह सरकार बिल्कुल असफल है, फेल है। इसकी जितनी इस तरह की घटना की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और इस तरह की घटनाओं पर अविलंब रोक लगे, इसकी हम मांग करते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार गृह मंत्री भी और लगातार इस तरह की घटना हो रही है, सड़क में नहीं दिख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि सदन चल रहा है और सदन कहीं ना कहीं पूरे राज्य की जन आकांक्षाओं का को प्रतिबिंबित करता है। और हम लोग सदन के माध्यम से इन सारी तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हो या बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरह से बिहार में जो अपराध के मामले हैं वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिंता जतानी चाहिए और अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।